अब आ रही हैं। हाय, मेरा नाम सिमरन परमार है, मैं देहरादून से आई हूँ। रेडी बेबी एंड म्यूजिक। आप किसके साथ आए हो बच्ची? चिराग सर के साथ। चिराग सर प्लीज मंच पर आ जाइए। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डांस करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखिए, ओके, और जब आप ऑडिशंस में जाते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आज हम इनसे जानेंगे, ये हैं हमारे साथ चिराग जी, ओके। तो आज ये आपको बताएंगे अपने शब्दों में कि किस तरीके से ऑडिशंस देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ओके। चलिए फिर जानते हैं, ओके। तो आज हम बात करेंगे डांस के बारे में, okay. और कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में, जो किस तरीके का डांस करते हैं, किस तरीके का होता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ आप कर सकते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम लोग, ठीक है? तो हमारे गाइस को बताइए अपने बारे में कुछ अपना डिटेल। हाय, मेरा नाम चिराग शर्मा है, मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बिलोंग करता हूँ, पहाड़ों की जिसे कहते हैं रानी मसूरी के पास मेरा घर है, वादियों में मैं रहने वाला हूँ, नेचर के पास आसपास घूमता फिरता रहता हूँ मैं। दूसरा क्या है, मेरे प्रोफेशनल वे में बात करें तो मैं एज आई एम अ डांसर, आई एम अ कोरियोग्राफर, आई एम अ रैपर, आई एम अ म्यूजिशियन, मैं इंस्ट्रूमेंट सारे प्ले करता हूँ डांस, और टीवी शोज कर चुका हूँ खूब सारे, बट अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। आप मेरे प्रोफाइल पर जाके चेक करेंगे तो वहाँ आपको मेरे टीवी शोज मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो मैं अभी आपको ऑन द फ्रेम नहीं बता पाऊँगा कि मैंने कौन कौन से शोज़ किए हैं, ठीक है? तो 10 से 12 टीवी शोज़ किए हैं, बस इतना है, ठीक है? और अभी तो, आप जो बैकग्राउंड में हमारा देख रहे हैं, लेट्स ग्रो ऑडिशंस, तो अभी ये खुद ही ये अभी आए हैं पटना और अभी ऑडिशंस ले रहे हैं यहाँ, और इनसे अभी हम यही जानेंगे कि ऑडिशंस देते वक्त स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप बताइए। सबसे पहले आपको डांस के बारे में बताते हैं, ठीक है? डांस, आप हर कोई डांस करता है, बट डांस में हर किसी का अलग एक डांस फॉर्म होता है, लाइक दस कोला फ्लेवर। फ्लेवर मतलब कैसे है कि लाइक आपको एक छोटा अच्छा बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ कि शायद सबको समझ में आ जाए बहुत इजी वे में, अच्छा, ठीक है? आप लोग फास्ट फूड खाते हैं? फास्ट फूड लाइक चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ऑब्वियसली वो तो कभी कभी हो ही जाता है, ठीक है? तो अभी उसमें क्या रहता है, देखिए बनता किस चीज़ से, वो बनता किससे, मैदा से बनता है, हाँ, मैदा होता है, हाँ, शिमला मिर्च होती है उसके अंदर, प्याज, हाँ, होता है, अजीनोमोटो, लहसुन वगैरह सब चीज़ डलता है उसमें, ठीक, हाँ, है? अभी हम एक ऊपर रखेंगे सबसे पहले, क्या नाम है अपना उसको, फास्ट फूड को, फास्ट फूड, और इधर को रखेंगे डांस को, अच्छा, इधर रखेंगे म्यूजिक को, इधर रखेंगे स्पोर्ट्स को, सब ऊपर है, चीज़ वही है। अभी जब वो बनता मैदा से, बनने के बाद उसके फ्लेवर्स कैसे लगाते हैं, चाउमीन का टेस्ट अलग है, मोमोज का अलग है, पिज्जा का अलग है, समोसा का अलग है, इडली सांभर का अलग है, सबका टेस्ट अलग है, पर बन किस तरह है, मैदा से ही बनते हुए कहीं ना कहीं वो आ रहा है उसी उन्हीं चीज़ों से मिक्स के। तो सेम डांस एक चीज़ है, जैसे कि मैदा एक चीज़ है, तो सेम डांस के फ्लेवर्स अलग हैं, जैज, हिप हॉप, पॉप, लॉकिंग पॉपिंग, कंटेम्प्री, फॉक्स ट्रॉट, लंबाड़ा, सालसा, लाइक डिफरेंट डांस स्टाइल्स, फोक डांसिंग में डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंट्री के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो मतलब सबसे पहले यू कैन चूज योर फ्लेवर्स, आपका फ्लेवर आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं आप पे वो डिपेंड है कि आप उसको प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। आना सब कुछ चाहिए, ये कहते हैं ना कि अपने इंडिया में रहे तो हर चीज़ टेस्ट करना चाहिए, तो टेस्ट प्रॉपर करो, बट जो तुम्हारा फेवरेट है उसमें आप आगे निकलो प्रॉपर। लेकिन ये जानना चाह रहे थे कि अगर वो इस ऑडिशन के स्पॉट पर पहुँचे, ठीक है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ आपकी बात पे, हाँ, बच्चे को पहले क्या है ऐसा ना, एक एक सीढ़ी चढ़ाना पड़ता है ऑडिशन पहुँचने के लिए भी, बच्चा क्या नाम है थोड़ा प्रिपेयर बनता है ना कि यहाँ चढ़ेगा बच्चा तो वहाँ पे, ऐसे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, हाँ। सबसे पहले एक तो सबसे पहले आपका म्यूजिक का सिलेक्शन क्या अच्छा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमारे शो के माध्यम से कि आपको हिंदी या इंग्लिश सॉन्ग अगर आप चलता है, मान लीजिए आप, हम अभी बिहार में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा मैथिली भाषा, ठीक है, भोजपुरी भाषा, ठीक है, चलती है, अभी हम इन्हीं गानों पर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ के लिए हमारे लिए सही है, पर हम एक नेशनल लेवल का शो कर रहे हैं जिसमें हमारे पूरे इंडिया के हर राज्य उसमें आ रहे हैं। अगर आपको साउथ साइड से एक मलयालम, कन्नड़ा या बंगला में कहीं से भी आपको वो अपनी लैंग्वेज में करेंगे परफॉर्म, तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा उनका लैंग्वेज, ठीक है ना, कन्नड़ा या तेलुगु या कुछ भी नहीं आएगा, बट सेम उनके लिए भी अप्लाई ये होता है कि हम अगर हिंदी इंग्लिश सॉन्ग चूज़ करेंगे किसी ऑडिशंस में, तो सबसे पहले सॉन्ग हिंदी इंग्लिश चलेगा,
सेकंड चीज क्या है, आपका कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम आपके डांस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप डांस स्टाइल क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, आप हिप हॉप का ड्रेस पहन के आए हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। थर्ड आपका क्या है, आपका एक्सप्रेशन, जिसे बोले तो अपना एक्टिंग के मामले में नवरस, तो आप अपने चेहरे से कितना प्यारा खेल सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना आगे उसको दिखा सकते हैं। ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक सामने तक कनेक्टेड हो जाना चाहिए चीज़ों को, यूनिक स्टेप भी। हाँ वो तो आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कोरियोग्राफी के बारे में। हाँ। कोरियोग्राफी देखो हर कोई करता है, सेम करता है, अपने जैसे करता है वही स्टेप्स, बट आप उसमें क्या क्रिएटिव करते हैं, क्या चीजें नया क्या करते नया हैं, कर रहे हैं, क्या नया दिखा रहे हैं आप चीजें, क्योंकि देखो आपके पास भी वही दिमाग है जो सबके पास दिमाग है, ठीक है। आप क्या नया सोचते हैं, नया क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या आगे बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीजें प्रॉपर सेट होती है। तो मेन फोकस है आपका प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। प्रेजेंट तो आपने कर दिया, एक एक बना दिया, बट उस पर काफी मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो नए आते हैं वो जज को देखते ही हेजिटेशन, मतलब कि उसके अंदर आ जाता है, डर लगने लगता है, वो उनको डर लगने लगता है कि भाई ऑडिशंस है, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, मतलब बहुत हेजिटेशन हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे हम लोग? उन बच्चों के लिए है कि देखिए हेजिटेशन हर किसी को होता है, फर्स्ट टाइम में होता ही होता है, बट ये है कि आपको कितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस, कैमरा फेस आप जितना तक करेंगे या किसी के सामने आप परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे या आप किसी पब्लिक प्लेस में परफॉर्म करेंगे, तो आपका वो अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा एक या दो परफॉर्मेंस के बाद। और आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके लिए बेटर है आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको आगे कैमरा फेस करने पड़ेंगे। कैमरा फेसअप करना गाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेसअप करते हो और ऑडिशंस वगैरह अगर आप देते हो तो आपका हेजिटेशन खुद पे खुद ख़त्म होगा। ओके, तो अभी हम लोग ऑडिशंस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो अभी मैंने जो कुछ मोटा मोटा बात था, कुछ इंपॉर्टेंस बातें थी जो मैं आपको मैं शेयर कर दिया, मैं बता दिया इनके द्वारा। ओके, तो अभी वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो अभी अभी हम लोग जा रहे हैं फिर ऑडिशंस स्टार्ट करने। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।